सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार, डिप्टी सचिव तरुण कुमार समेत 5 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एंजेवर कंपनी के डायरेक्टर संदीप कुमार, दिनेश गुप्ता और अशोक कुमार भी शामिल हैं। सभी आरोपियों को कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई के मुताबिक राजेंद्र कुमार के खिलाफ 50 करोड़ के टेंडर घोटाले में काफी अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई ने पिछले दिनों राजेंद्र कुमार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं सीबीआई का कहना है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के गलत इस्तेमाल का पुख्ता सबूत है, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई है। वरिष्ठ लोक सेवक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अगर उन्होंने गलत किया तो उनको जो सजा हो मिलनी चाहिए, लेकिन आज की टाइमिंग क्या है? आज ऐसी क्या इमरजेंसी लगी थी जिस समय चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ऑफिसर्स को उठा उठा के, दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को उठा उठा के, बिना जरूरत के और दिल्ली में ऑफिसर्स की कमी के बावजूद बाहर भेजा जा रहा है और चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर्स को उठा उठा के अरेस्ट किया जा रहा है? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार बहुत ही घटिया हरकत पे उतर आई है। सीधे सीधे वॉर छेड़ दिया उसने दिल्ली के लोगों के खिलाफ। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं होने देना चाहती है केंद्र सरकार। बदला ले रहे हैं मोदी दिल्ली के लोगों से कि आपने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, अब हम देखते हैं आपके लोगों को अनौथराइज कॉलोनी को कैसे ठीक किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर करप्शन कर रहे हैं, दिल्ली के पैसे को किस प्रकार से उड़ा रहे हैं और करप्शन को पनाह और संरक्षण दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दे रहे हैं। जब इनके यहाँ सीबीआई ने रेड की अपने जांच के आधार पर, ये कोई आज का करप्शन नहीं है, ये लगातार पिछले 7-8 सालों से जिस प्रकार से बेनामी कंपनियां बना करके अलग अलग तरीके से और दिल्ली के जनता के पैसे का भ्रष्टाचार किया गया, उस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है, ये जवाब केजरीवाल साहब को देना पड़ेगा। राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी कि वो बीते सालों में जहां भी रहे वहां प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाते रहे। इसके बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि मई 2002 से 2005 फरवरी तक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और उसके बाद आईटी में सचिव बनने के बाद और हेल्थ विभाग में कमिश्नर रहते हुए कई कंपनियां बनाई। इसके साथ ही इन कंपनियों को बिना टेंडर के काम दिया, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। 50 करोड़ के सरकारी ठेके की नीलामी में राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आरोप है कि साल 2007 में दिल्ली सरकार के आईटी विभाग में सचिव के पद पर रहते हुए राजेंद्र कुमार ने अपनी कंपनी को पीएसयू पैनल में शामिल कराया, जो बिना टेंडर निकाले काम करती थी।